सर, जैसे आज जिला अधिकारी की अध्यक्षता में ये नैनीताल शहर को स्वच्छता के तहत जो आज बैठक ली गई है, उसमें क्या मेन मुख्य एजेंडा रहा है? आज की बैठक का मुख्य एजेंडा था कि जो नैनीताल में स्वच्छता का स्तर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और नैनीताल इसमें अग्रणी रहा है कि 2008 में यहाँ मिशन बटरफ्लाई नाम से एक परियोजना चली थी, जिसमें जो भी नगरी कूड़ा है उसका सही प्रबंधन का एक मॉडल पूरे देश के लिए तैयार हुआ था। और 2008 से 2012 तक ये परियोजना को हमने चलाया यहाँ पर, जिसमें सेग्रीगेटेड वेस्ट का कलेक्शन डोर टू डोर किया गया। मिशन बटरफ्लाई के नाम से ये परियोजना चली थी, और उसमें लगभग सभी परिवार, लगभग 6 हज़ार परिवार नैनीताल के इस परियोजना से जुड़े थे, जो यूजर फी दे रहे थे लगातार, और अपने कूड़े को एक निश्चित व्यक्ति को, जो प्रशिक्षित व्यक्ति था, उसको दे रहे थे। और उसके बाद कम्युनिटी बिन्स जो थे हमारे, बंद बिन थे, खुले बिन जैसे नगर पालिकाओं में होते हैं उसको हमने बंद कर दिया था, क्लोज बिन, ताकि जानवर उसको फैलाए ना दोबारा से, वो बिनों का इस्तेमाल किया था। और नारायण नगर में एक कंपोस्ट साइट हमने डेवलप की थी, जहाँ जो कूड़ा जैविक रूप से गलने वाला कूड़ा है उसको हमने वहाँ ले जाके उसका कंपोस्टिंग शुरू की थी, और जो ड्राई वेस्ट है उसको हम रिसाइकिलिंग के लिए काठगोदाम ले जाते थे, जहाँ उसका प्लास्टिक जो है हमारा वेस्ट रिसाइकिल होता था। ये परियोजना हमने पूरे 5 साल तक चलाई, और जो तालाब में कूड़ा आता था उसको कम होने से काफ़ी उसमें सफलता प्राप्त की, कम करने में और अच्छे सुंदर तालाब की स्थापना करने में उससे मदद मिली। और इसमें जो मुख्य आज निर्णय हुए हैं, एक तो जो स्वच्छता समितियां थे, तब नैनीताल में 37 स्वच्छता समितियां थी, उनको रिवाइव करने की बात की गई है, जिसमें हमारी आशा वर्कर थी या आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी वो सदस्य सचिव हुआ करते थी, और हमारे जो नगर पालिका के सभासद हैं वो उसके संरक्षक हुआ करते थे, वो स्वच्छता समितियों को पुनर्जीवित करने की बात यहाँ पर की गई है। दूसरा निर्णय ये लिया गया है कि नारायण नगर की जो कंपोस्ट साइट है, जिसमें प्रशासन द्वारा काफ़ी धन व्यय किया गया है, उसको दोबारा इस्तेमाल करने की एक बात कही गई है कि वो अगले कुछ महीनों में उसको दोबारा उपयोग के लायक तैयार किया जाए। साथ साथ जो कूड़ेदान हमारे कूड़ेदान हैं उनको भी जो है बदल कर जो बंद कूड़ेदान है, ताकि उनका जो कूड़ा उसमें जाता है वो दोबारा से फैले ना, उसको रिप्लेस करने की बात है कि अच्छे कूड़ेदान, कस्टमाइज कूड़ेदान नगर क्षेत्र में लगे। ये यहाँ पर DM साहब की अध्यक्षता में मीटिंग में निर्णय लिया गया। साथ ही